तो मैं आप सभी का दोस्त और होस्ट तेज स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का WWE 2K23 की एक और मजेदार वीडियो में। और दोस्तों आज के होने वाले हमारे इस मैच में ना एक तरफ टीम स्टोन कोल्ड है तो दूसरी तरफ है टीम हॉलीवुड रॉक। तो दोस्तों आज के इस मैच को हम लोग बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज के हमारे इस मैच में ना टीम स्टोन कोल्ड जीतेगी या फिर टीम हॉलीवुड रॉक। ठीक है चलो दोस्तों स्टार्ट करेंगे फिर हम लोग अपना ये मैच। वैसे दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है भाई आज के इस मैच में ना टीम स्टोन कोल्ड जीत सकती है या फिर टीम हॉलीवुड रॉक? और आज के इस मैच में आप लोग किस टीम को सपोर्ट कर रहे हो ना आप लोग अपना जवाब मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। चलो भाई दोनों सुपरस्टार्स में से पहले फिनिशर कौन लगाएगा भाई? स्टोन कोल्ड ने पहले फिनिशर लगाया भाई, लेकिन एक फिनिशर से रॉक को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। वैसे भी ब्रॉक ने पिन को तोड़ दिया है तो मेरे हिसाब से एक आध फिनिशर और लगेंगे रॉकी को एलिमिनेट करने के लिए। वैसे भी हॉलीवुड रॉक है ना भाई तो कम से कम दो या तीन फिनिशर तो लगेंगे भाई आज के इस मैच में। चलो भाई सर पे मारा स्टोन कोल्ड सर ने ना, तो स्टोन कोल्ड सर के पास फिनिशर नहीं तो कर्ट एंगल को टैग दे सकते हैं। बहुत अच्छा रॉकी को बचना पड़ेगा क्योंकि फिनिशर लगा देंगे लेकिन नहीं है कर्ट एंगल भाई। वैसे ही मूव ग्लिच हो जाता पता है, लेकिन कर्ट एंगल की किस्मत खराब थी ना भाई तो उनके ही को लो भाई। रॉकी फिनिशर है आपके पास तो रॉकी कर्ट एंगल को लपेट सकते हैं फिनिशर से, लेकिन नहीं मुझे लगता लगा दिया भाई कर्ट एंगल ने लगा दिया। एंगल लॉक लगा दिया रॉकी एलिमिनेट हो सकते हैं मैच से। रॉकी गए मेरे हिसाब से, अगर किसी ने बचाया नहीं तो रॉकी गए। अरे अरे टैप आउट मत करना रॉकी। अब रॉकी मात्र एक ही फिनिशर के मेहमान है, ब्रॉक भी नीचे भाई रिंग के। रॉकी एक काम करो फीन को टैग दे सकते हो। अरे क्लोज लाइन बहुत अच्छा, तो अभी मौका आपके पास बहुत अच्छा है, फीन को टैग दे सकते हो। अरे यार फीन को टैग भी नहीं देने दिया यार, रॉकी की किस्मत खराब लग रही है भाई मुझे आज। कहां अपने ही कॉर्नर पे मार कर रहे, फीन बचा लो, फीन बचा सकते हैं, फीन नहीं। बहुत अच्छा फीन का। वैसे ओवरऑल दोस्तों इस मैच में 100 है भाई, इस मैच में नहीं मैंने तो अपने भाई फीन का ओवरऑल 100 रखा हुआ है भाई, क्योंकि भाई एक तो अपने लेजेंड सुपरस्टार हैं, ऊपर से हमारे बीच रहे नहीं भाई अब, तो इनका ओवरऑल तो 100 बनता है भाई। और 2K24 में भी मैं इनका ओवरऑल भाई 100 कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं ना भाई फीन अपने लेजेंड सुपरस्टार है। फिलहाल फोकस करते हैं अपने इस मैच में। रोमन अपने कॉर्नर पर ले तो गए थे लेकिन नहीं, रोमन के पास भी फिनिशर है, ब्रॉक के पास भी फिनिशर है भाई, दोनों में से पहले कौन लगाएगा? वैसे ब्रॉक लेसनर ने मेरी बात पहले मानी, रिवर्स ना करें तो रोमन पड़ गया भाई F5। लेकिन एक फिनिशर में किसी भी सुपरस्टार को कुछ नहीं होने वाला, कम से कम दो या फिर तीन फिनिशर लगेंगे एक सुपरस्टार को एलिमिनेट करने में, क्योंकि सारे के सारे सुपरस्टार ओरिजिनल हैं भाई। अगर फीड और रॉक की बात छोड़ दूं तो वैसे रॉकी भी ओरिजिनल ही हैं। रोमन के पास फिनिशर तो है रॉकी को, अच्छा ब्रॉक को फिनिशर लगा सकते हैं लेकिन लगा नहीं है, रिवर्स कर दिया। बहुत अच्छा रोमन फिनिशर है आपके पास। अरे भाई अपने ही सुपरस्टार को लगा दिया भाई क्लोज लाइन, स्पेयर भी रिवर्स हो गया। ये लो भाई आज तो मुझे ट्राइबल चीफ की किस्मत ज़्यादा खराब लग रही है। अच्छा ब्रॉक फिनिशर लगाने के चक्कर में थे F5 ना। चलो अपने कॉर्नर पे लेके किसको टैग देंगे, कर्ट एंगल को टैग देंगे या फिर स्टोन कोल्ड सर को? किसी एक को सुपरस्टार को टैग देना पड़ेगा मेरे हिसाब से, स्टोन कोल्ड सर को दे दो भाई टैग, क्योंकि उनके पास सिग्नेचर आने वाला। अच्छा रोमन के पास सिग्नेचर आ चुका है भाई, तो रोमन सुपरमैन पंच तो लगा सकते हैं, लेकिन नहीं फंसा के पिन कर रहे हैं ब्रॉक। वैसे भी दोस्तों WWE में तो अब हमको ब्रॉक लेसनर बहुत ही कम चांस है कि देखने को मिलेंगे भाई। हो सकता है कि ब्रॉक लेसनर का जो आखिरी मैच हुआ था ना वो कोडी रोड्स वाला ही हो भाई, क्योंकि भाई 2K और हो के हो या फिर WWE हो, इन्होंने ब्रॉक लेसनर को रिमूव करना शुरू कर दिया भाई अपनी अपनी चीज़ों से। अब देखते हैं कि 2K24 में क्या होता है भाई, हमें ब्रॉक लेसनर मिलते हैं या फिर नहीं मिलते हैं भाई, क्योंकि जिस हिसाब से WWE बिहेव कर रही है ना ब्रॉक के साथ और जैसे जैसे उनको रिमूव करते जा रही है हर जगह से, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी रिमूव कर देंगे भाई WWE से हर जगह से। तो गेम में भी होना ब्रॉक का पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन देखते हैं भाई 13-14 दिनों बाद गेम आ जाएगा। सुपरमैन पंच फीन को लगा दिया भाई, फिनिशर भी लगा सकते हैं। नहीं 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 फीन ने अच्छा फिनिशर को रिवर्स कर दिया क्या? नहीं नहीं फिनिशर रिवर्स नहीं किया भाई, तो फीन के पास सिस्टर एविगेल लगाने का मौका तो है, लेकिन नहीं लगा रहे सिस्टर एविगेल। वैसे भी फीन और रोमन की तो बहुत पुरानी दुश्मनी है भाई, फीनडी को हरा कर तो यूनिवर्सल चैंपियनशिप को अपने पास लाए थे ना अपने ट्राइबल चीफ, लेकिन बेचारे उनको रिमैच नहीं मिल पाया भाई अपनी फीन को अभी तक। अब मिल भी नहीं सकता, वैसे भी गेम में गेम प्ले के अलावा कहीं भी फीन को अपना रिमैच नहीं मिल सकता भाई। एक किक आउट कर देंगे रोमन। वैसे भी स्टोन कोल्ड सर मैच के बीच में आने की भी जरूरत थी नहीं आपको, रोमन के पास मौका अच्छा है लेकिन नहीं मौका देंगे नहीं। लगा देंगे क्या मैंडेमन क्लॉ? मैंडेमन क्लॉ नहीं लगा रहे, फिनिशर लगाना चाहिए। वैसे फिनिशर लगा के ट्राइबल चीफ को एलिमिनेट कर सकते हैं फीन, तो अपना बदला थोड़ा सा बहुत ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है भाई बीच में रोमांस करने की क्या जरूरत है? फीन लगा दिया सिस्टर एविगेल, ट्राइबल चीफ हो सकता है कि एलिमिनेट हो जाए रिवर्स ना करें तो फिनिशर। अच्छा दो फिनिशर रोमन खा चुके हैं ना,
यानी कि एक फिनिशर अगर और खाते हैं तो एलिमिनेट हो जाएंगे मैच से भाई। लेकिन फिन के पास फिलहाल अब कोई फिनिशर नहीं है, तो मौका अच्छा होगा रोमन के पास जाके टैग दे सकते हैं। रोमन खड़े उठ जाओ, अरे अरे कर्ट एंगल बेचारे खाम खा मार खा रहे हैं, स्टन होकर नीचे जाएंगे। अब स्टोन कोल्ड सर भी मुक्का खा लिए हैं, रोमन जाके टैग दे सकते हो, आपके पास फिनिशर है, कम से कम फिनिशर मार के ही फिन को नीचे गिराओ। अगर फिन को जल्दी से जल्दी एलिमिनेट नहीं किया ना मैच से, तो भाई इनके लिए मैच जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा भाई टीम स्टोन कोल्ड के लिए। अरे रिवर्स कर दिया, बहुत अच्छा। रोमन के पास दो फिनिशर और एक सिग्नेचर है, पप हैंडल सुप्लेक्स लगा दिया। रोमन जाके टैग दे सकते हो क्योंकि हेल्थ नहीं है आपकी, रोमन की हेल्थ वैसे भी चूस चुकी है, उसके बावजूद भी फिन से मार खाने के लिए रुके हुए हैं भाई। रोमन के पास दो फिनिशर है, गिलिटिन लगा मैंडेमन क्लॉ, रोमन गए, ट्राइबल चीफ गए भाई। दो फिनिशर लेके जाओ भाई अपने किंगडम में। कर्ट एंगल के पास कुछ है? कुछ भी नहीं है कर्ट एंगल के पास। अब घुइया के पत्तों के अलावा कर्ट एंगल के पास कुछ भी नहीं बचा। ऊपर से सिग्नेचर है, सिग्नेचर है कर्ट के पास, सिग्नेचर है भाई। एंगल स्लैम लगा सकते हैं, फिन को एंगल स्लैम लगा सकते हैं। अरे नहीं 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 वो भी रिवर्स हो गया मेरे सब, नहीं बहुत अच्छा भाई। यार कर्ट एंगल जैसे चोर दिमाग लगाते थे ना, अभी लगाना चाहिए ना यार अपना चोर दिमाग। सिग्नेचर से तो एलिमिनेट कर सकते हैं फिन को, लेकिन नहीं कर रहे हैं फिन को एलिमिनेट भाई। टीम रॉकी के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो गया भाई, ट्राइबल चीफ में ऐसे एलिमिनेट हो चुके हैं अब। अच्छा टकला रेफरी है भाई आज, तो हम सबका फेवरेट टकला रेफरी है भाई आज। यानी कि आज स्टोन कोल्ड सर की टीम नहीं जीत सकती भाई, क्योंकि उसमें भाई ट्राइबल चीफ थे ना, और ट्राइबल चीफ को देखे तो टकला रेफरी खार खाता है भाई। लगा दिया था एंगल लॉक, लेकिन नहीं फिन ने वो भी रिवर्स कर दिया। लगेगा कर्ट एंगल को भी, मैंडेमन को लगेगा, लगा दिया मैंडेमन क्लॉ। कर्ट एंगल बेटे एलिमिनेट मत हो जाना, एलिमिनेट मत होना, बचा लिया, बचा लिया भाई। लेकिन कितने बार बचा पाओगे यार, कितने बार बचा पाओगे? सिग्नेचर आ चुका है, सिग्नेचर आ गया भाई फिन के पास। चलो अपने कॉर्नर पे ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा। किसको टैग देंगे, हॉलीवुड रॉक को टैग देंगे या ना? ना बहुत अच्छा, हॉलीवुड रॉक को टैग दे दिया ना। इनके पास कुछ है? फिनिशर और सिग्नेचर दोनों है हॉलीवुड रॉक के पास, तो सिग्नेचर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, फिनिशर भी लगा सकते हैं। लगा दिया फिनिशर, लगा दिया कर्ट एंगल भी एलिमिनेट। अब स्टोन कोल्ड सर कितना टिकेंगे भाई, कितनी देर टिकेंगे मैच में ये? उनकी टकली खोपड़ी दे मारी भाई नीचे। अब तो रॉकी के लिए बहुत ही अच्छा एडवांटेज हो गया भाई, उनकी टीम में तीन के तीन सुपरस्टार बचे हुए, स्पाइन बस्टर। अच्छा अभी स्टोन कोल्ड सर की बॉडी डैमेज नहीं हुई है भाई, यानी कि कम से कम दो एक फिनिशर तो खा सकते हैं भाई। अच्छा ये पीपल सर पर क्यों नहीं लगा रहे भाई ये वाले रॉक? रिवर्स करना था स्टोन कोल्ड सर, रिवर्स करना था यार। मैच को इतनी जल्दी खत्म कर दिया भाई इन्होंने, इतनी जल्दी मैच को खत्म कर दिया। कोई नहीं दोस्तों, हमें तो मैच बनाने से मतलब है ना, और टीम हम लोग जान ही देते कि कौन सी जीत सकती है करके। तो चलो दोस्तों, हमारा जो आज का ये मैच है वो यहीं तक। अगर आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी ना, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से ऐसी एक और मजेदार वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखो, हंसते खेलते रहो, फिट रहो, हिट रहो। टाटा बाय बाय।